Welcome back to my channel, Care Mansi. आज है थर्सडे और अभी बजे हैं सुबह के 12 बजे हैं और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं अभी बनाने जा रही हूँ बेबी के लिए ओट्स खिचड़ी। तो चलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने 10 मंथ्स के बेबी के लिए ओट्स खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम कुकर में थोड़ा सा घी डालेंगे और उसमें मैं अभी थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स ऐड करूँगी क्यूमिन सीड्स अच्छा होता है डाइजेशन के लिए और इसके फ्लेवर्स भी अच्छे होते हैं। खिचड़ी के लिए मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं पीस, बीन्स एंड कैरेट ग्रेट करके एंड टमाटो जो मेरे घर में अवेलेबल था। अभी मेरा बेबी 10 मंथ्स का है तो मैं उसको सारे वेजिटेबल्स दी और 2 बड़े टेबल स्पून और उसको अच्छे से पौधे कर दूँगी। तो जाएगा नमक और कैरेट जो बाकी कैरेट मैंने नहीं डाले थे और थोड़ा सा पानी और ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया होने है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी मूंग की दाल जो मैंने हल्का सा फ्राई करके रखा था। अभी इसको फिर से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी और हल्दी क्योंकि सॉल्ट मैंने डाल दिया था। अभी डालूँगी मैं हल्दी और इसको धीमी आंच में सीटी आने देते हैं। एक सीटी आया पहले मैंने इसको काउंटर टप पे रखा था बट मेरा काउंटर टप बहुत छोटा है तो इसमें जगह नहीं होते। देखें किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम स्टे हेल्दी मॉम इट वेल इसे मुझे देख कर बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा किचन काउंटर टप ये बहुत छोटा है तो वो नीचे यहाँ मैस हुआ है ना हॉट केस से फिर ये जो कॉर्नर वाला स्टैंड है नीचे चकला बेलन है क्योंकि कभी कॉकरोच आ जाएगा तो मैंने ऐसे ही चकला बेलन को ढक के रखा है और ये है और यहाँ मेरा सिंक है बाहर भी एक सिंक दिया है और यहाँ देखिए ये मेरा इसमें मैं अपना आलू प्याज वगैरह रखती हूँ। ये मेरा फ्रिज है एंड डबल डोर का ये मेरा बर्तन स्टैंड इसमें रखती हूँ और ये देखिए बाहर एक सिंक है ये वाला यहाँ बाहर दिया है बर्तन साफ करने के लिए एंड तो अभी देखिए सीटी आने वाला है थोड़ा गर्म हो गया एक सीटी काफ़ी है अभी इसको बंद कर देंगे। अभी सिनू का एक नया एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है बेड को पकड़ के बेड के हेडबोर्ड को पकड़ के जो चलता है और अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो हेडबोर्ड को पकड़ के जब चलता है कितना खुश रहता है और उसको लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी जब वो हेडबोर्ड को पकड़ के फिर से चलेगा। एज यूजुअल बेटी का अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ दिखाती हूँ और वहाँ नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। इसका भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो पूरा लंच बन चुका है बेटे का बन चुका है हमारा तो सुबह ही बन गया था क्योंकि आज हस्बैंड भी लंच में छोले और जीरा राइस एंड रायता लेके गए हम भी वही खाएंगे। और अभी और ये बाहर का व्यूज़ दिखाती हूँ आज बाहर का आपको व्यू दिखाती हूँ। देखें आज सुबह थोड़ा सा बारिश हुआ था करके इसके स्टिकर को रखूँगी क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना देखने में और इसमें स्टोर करूँगी तो अभी क्योंकि फ्रूट के उसके बोतल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो इसको मैं स्टोर करूँगी। अभी जो प्रेशर कुकर की सीटी दे रही है अभी फिर से मैंने वो दाल थोड़ा हुआ नहीं था बेटे का तो और एक स्टोर सीटी दे रही हूँ। तो ये देखिए बेटे का खिचड़ी अच्छे से कुक हो गया है और दाल भी अच्छे से कुक हो गया है। अभी इसको निकालेंगे उसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करके
तो ये देखिए बेटे का ओट्स खिचड़ी रेडी हो गया है और अभी उसको मैं थोड़ा सा ठंडा करके खिलाऊंगी। कितना यम्मी बना है, और इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। ओट्स तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए अभी बेबी को खिलाते हैं। ये खाना मैंने ले लिया, अभी उसको थोड़ा सा खिचड़ी को ठंडा कर दूंगी, ठंडा करने के बाद तो उसको खिलाऊंगी। तो चलिए अभी अभी उसको ठंडा करते हैं और बेबी से थोड़ा बात करते हैं। तो बेबी आपको खिचड़ी अच्छा लगा, सबको बताओ आपको खिचड़ी अच्छा लगा, और उसका सबको बताओ कि मुझे हाँ अच्छा लगा, यम्मी यम्मी खिचड़ी मम्मा ने बनाया, शिनू का यम्मी यम्मी खिचड़ी। अभी इसको खिलाएंगे, तब तक बेटी को मैंने लंच दे दिया है, वो खाएगी क्योंकि उसका लास्ट क्लास जो लास्ट वाला आखिरी वाला पीरियड है उसका लास्ट पीरियड वो स्टार्ट होगा 1:10 और अभी बजे हैं 12:40, तो तब तक उसका लंच फिनिश हो चुका होगा और फिर मम्मी को भी मैंने दे दिया, फिर मैं खाऊंगी। मेन इसको खिलाना है। तो चलिए लंच करने के टाइम में मैं फिर आपसे बात करती हूँ। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 सीनू दुम दबा के दौड़ा, ओ दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, ला 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 पानी ला ला। दलिया ये सब बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तक इसको मैंने राइस नहीं दिया है, उसका अगस्त 23 को इसका अनप्राशन है, उसमें ही दूंगी, उसके बाद ही दूंगी, पहले उसी दिन वो खाएगा और फिर उसके बाद उसको एक टाइम तो राइस लंच के टाइम में दूंगी, फिर रात को तो वो रोटी ही लेता है। ऐसा होता है ना, क्या दूँ, बच्चे का पेट भर जाए, एक दिन खाएगा दूसरे दिन नहीं खाता है, उसको रोज़ एक ही चीज़, हम तो रोज़ नहीं खा पाते तो बच्चे कैसे खाएंगे, तो उनको तो अलग अलग फ्लेवर की ज़रूरत ही होती है। और अभी ये ब्लॉक करेगा, इसको अभी कैमरे के सामने आते ही ना इसका हंसी स्टार्ट हो जाता है और इसको लग लग करने में भी हंस दूँ, बाबा स्माइल छिनलू, स्माइल कर दे, स्माइल कर दे, बोलो मैं लंच कर रहा हूँ। तो अभी बेटे का लंच फिनिश हो चुका है और मैं अभी जाऊँगी लंच करने। तो आपको कुछ कहना है लंच के बारे में, उधर देखो उधर देखो, आपको कुछ कहना है लंच के बारे में, इसका फेस देखिए, उसको स्माइल आ रहा है बट थोड़ा सा स्माइल करके वो रुक रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, तो चलिए लंच करते हैं। कॉलेज से आके नाश्ता कर रहे हैं शाम का, मैंने चाय के साथ उनको प्लेन डोसे दिए थे और बेटी उनके पास अपना कुछ होमवर्क कर रही है स्कूल का। इसके बाद हस्बैंड चले गए थे सब्जी लाने, ये सब्जी लेके और दूध लेके आ गए हैं। और शाम को मैं मम्मी से ऑयलिंग करा रही हूँ मसाज, क्योंकि मम्मी आई है तो मैंने बोला कि मम्मी आप जितने दिन भी रहोगे अच्छे से मेरा मसाज कर दो, ऑयलिंग कर दो, बाल बहुत झड़ रहा है। और मेरा होने के बाद मम्मी ने बेटी का भी ऑयलिंग किया, क्योंकि ऑयलिंग बहुत अच्छा होता है, खुद तो अच्छे से मैं नहीं कर पाती हूँ, तो जितने दिन मम्मी है तो मम्मी का फ़ायदा उठाओ और मम्मी से मसाज कराओ और बाल भी अच्छे होते हैं। और बेटी ऐसे कैसे हो रही है, मैं कर रही हूँ मसाज इसीलिए। और ये बेटी अपना शेडिंग वगैरह दिखा रही है, उसने ड्राइंग में शेडिंग किया है, उसको मिला था तो ये दिखा रही है कौन कौन सा पिक्चर में उसने शेडिंग किया है। मम्मा ये मेरी वीडियो में दिखा दो, तो मैं इसका ये दिखा रही हूँ। ये सीनू का जो एक्टिविटी मैंने बोला था हेडबोर्ड पकड़ के चलने का ट्राई कर रहा है, ये है वो एक्टिविटी। और इतना वो खुश हो जाता है कि मत पूछिए, उसको लगता है कि उसने कुछ अचीव कर लिया। तो इसी तरह से मेरे पूरा दिन आज कटा है दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छा लगा है वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।